बुजुर्गों ने ठीक कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शंकर भाई को पता चला ना तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। हे, मार दे इसको। शिवा, हे तुम लोग बाहर जाओ। शिवा, तुमने कॉलेज में शंकर के आदमियों को क्यों मारा? भैया, वो मेरे कॉलेज में आकर आपको भला बुरा कह रहे थे और आप पूछ रहे हैं मैंने उन्हें क्यों मारा? तुम्हें हम दोनों के बीच पड़ने की कोई जरूरत नहीं है शिवा, ये बात कान खोल कर सुन लो तुम। शिवा, हमारे पिता की मौत यूनियन के झगड़े की वजह से हुई थी। उस वक्त काली भाई ने ही मुझे सहारा दिया, उन्हीं की वजह से मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ। उन्हें इज्जत देने के लिए मैं कभी उन्हें मना नहीं कर सका, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पर तुम इस लफड़े में क्यों पड़ते हो? मैं मजबूर था शिवा, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, ये सब मैं संभाल लूंगा, समझ गए? अब जाओ। मैंने कहा था ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अब तुम मार मार के उनकी खाल उधेड़ने में लगे। ये लोग अपनी जान दे देंगे पर तुम्हारा साथ हरगिज नहीं देंगे। मेरी बात मान लो, विजय ना बड़े आराम से इन सबको अपने कब्जे में कर लेगा और फिर हम लोग यहाँ बैठ के भजन कीर्तन करेंगे, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, लोग आके चढ़ावा चढ़ाएंगे। इन सबके साथ से ही तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। तुमसे तो बात करना दीवार से सर मारने जैसा है, ना कुछ बोलते हो ना कुछ करते हो। अरे सोचो, कुछ सोचो। मेरा भाई जब मेरे लिए सिर दर्द बना तो मैंने उसे रास्ते से हटा दिया, फिर ये विजय कृष्णा क्या चीज है? वो विजय कृष्णा यूनियंस के सामने हीरो बनने के सपने देख रहा है। उन्हें यूनियंस के सामने मैं उसे अपनी असली ताकत दिखा कर रहूंगा। गुंडागिरी और पॉलिटिक्स रेल की दो पटरियों की तरह है, वो चलती तो जरूर एक साथ है पर कभी मिलती नहीं। अगर वो मिली तो ट्रेन नीचे गिर जाएगी। एक बात याद रखना, हर चीज का एक सही वक्त होता है। रमन जी, देखते जाइए कैसे हिसाब चुकता करता हूं। भाई, कल विजय कृष्णा कॉलेज स्टूडेंट को भाषण देने जा रहे हैं, पप्पू का फोन आया था। जाओ बॉबी को बुलाओ। इस तरह अचानक क्यों बुलाया? सुन बॉबी, मुझे तेरी मदद चाहिए। ये बताओ किसे लुड़काना है? इस बार तुझे लुड़काना है। विजय कृष्णा को बहुत मुश्किल है। साला मेरे लिए नासूर बन गया है। शंकर, तू उसे जानता नहीं है क्या?
ना सिगरेट पीता है ना दारू पीता है। कॉलेज में स्पोर्ट्स में अव्वल आया करता था। चाकू लगने के बाद भी चीते की तरह भाग सकता है। मैंने तुम्हें यहाँ उसकी तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया है, जो कहा है बस वो करो। शंकर भाई, वो कोई बच्चा नहीं है। उसे मारना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। वो अकेला ही हम जैसे 10-10 मुस्टंडों को ढेर कर सकता है भाई। ये रिस्क हम हरगिज नहीं ले सकते। कल कॉलेज में स्टूडेंट्स की मीटिंग है। कम से कम 1000 स्टूडेंट्स वहां आएंगे। मौका देखते ही काम को अंजाम दे दो। तो क्या बोलता भाई? अगर हम चाकू पर जहर लगाकर उसको मारें, तो एक ही वार में उसका काम तमाम हो सकता है। फिर भी वो बच गया तो अपना राम नाम सत्य। तेरे भाई को मारने के पैसे भी तूने अब तक नहीं दिए। पहले वो दे, उसके बाद सोचेंगे इसका क्या करना है। तूने उसे खत्म किया और तेरा सारा हिसाब चुकता। चल भाई काम पे लगते। ये खून सिर्फ अपने माँ बाप और देश के लिए बहाना। ये इतना सस्ता नहीं है कि इसे ऐसे ही बहा दे। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें फीस भर के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। किसी को लीडर बना के उसके नाम के नारे लगाने के लिए या झंझट में पढ़ने के लिए नहीं। कॉलेज में इलेक्शन इसलिए होते हैं ताकि तुम जीत कर बाकी स्टूडेंट्स की मुश्किलें आसान कर सको, उनके लिए कॉलेज में अच्छा माहौल बना सको, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। शंकर के आदमी तुम्हारी मदद से शहर के लोगों का जीना हराम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सारे बुरे काम तुम करो और उनका नाम कहीं ना। वो तुम्हारे भविष्य से खेल रहे हैं। मैं भी कभी स्टूडेंट हुआ करता था। मैंने भी तुम्हारी तरह कॉलेज में इस तरह की नौटंकी देखी है, पर मैं इन चक्करों में नहीं पड़ा। मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूँ ये बात समझने की कोशिश करो। अगर शंकर तुम्हें भड़काता है किसी धर्म का नाम लेकर, प्रांत का नाम लेकर, जाति या भाषा के नाम पर, तो उसकी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आना, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम्हारे लिए, तुम्हारी परेशानियों के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो दे मुंबई अब तेरा।
आदमियों ने मुझे बताया, जिन लोगों ने तुम्हारे भाई को मारा उन लोगों ने मेरे भाई को भी मारा। मेरे आदमी उन्हें ढूंढने में लगे हैं। जिस दिन मुझे वो मिल गए, एक साथ मिलकर मारेंगे उन्हें। एक और चीज, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा था वो मेरा दुश्मन था, उसके मरने के बाद हमारी दुश्मनी खत्म। मेरी कुछ भी मदद चाहिए तो आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, प्रॉमिस, एक भाई की तरह। देखो, मुझे मालूम है कि मेरे भाई को शंकर ने मारा है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बिना किसी प्लान के उस पर हमला करते हैं तो हम मारे जाएंगे। साला उसके साथ पुलिस वाले और मिनिस्टर्स भी मिले हुए हैं, सबके सब कमीने उसके इशारों पर नाच रहे हैं। तो अब हम क्या करें भाई, डर के मारे चूहे की तरह अपनी बिल में घुसे रहे? अभी जो कहा समझ में नहीं आया, बदला लेने के लिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन हम ज्यादा चुप करें। एक बात समझ लो, हमें सही मौके का इंतजार करना है, और जिस दिन वो मौका हाथ आ गया उन सब की मैं बस करो। जिस किसी ने भी चूड़ियां पहनी हो वो यहां से चला जाए। शिवा, तुम इस सबसे दूर रहोगे, चलो अंदर जाओ। अगर उसके मारने से हम मर सकते हैं तो हमारे मारने से वो नहीं मर सकता। आप में भैया की मौत का बदला लेने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाला। शिवा, अभी तुम छोटे हो, इस झमेले में क्यों पड़ रहे हो? भैया, मरने और मारने की कोई उम्र नहीं होती। चाकू चलने से पहले किसी की उम्र नहीं पूछता। मैंने इन आंखों से भैया की मौत देखी है, आप नहीं समझ सकते। शायद आपके अंदर का खून पानी हो चुका है। शिवा, वो लोग बहुत खतरनाक हैं।
ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो। मुझे बच्चा समझने की गलती मत करना भाई। जब ये बच्चा मारता है तो सामने वाला सीधा ऊपर मौत के डर से आग घर पर बैठ सकते हैं, पर मैं चुप नहीं रहूंगा। भैया के कातिलों की चीखों से मैं शहर के हर घर को हिला कर रख दूंगा और उस दिन आपके सामने आऊंगा। तुम बस एक बार कहो, कॉलेज के 500 लड़कों को लेकर शंकर के घर में घुसकर उसका काम तमाम करेंगे शिवा। उसे मारने से क्या फायदा होगा, बस एक और गुंडा खत्म हो जाएगा। गुंडागिरी खत्म नहीं होगी। जो अपने आप को शेर समझता हो उसे उसके ही पिंजरे से बाहर निकालकर सड़क पर सुअर की तरह भगाया जाए और फिर उसके बाद उसका शिकार किया जाए तो लोगों के दिल से शेर का खौफ निकल जाता है और शिकारी की दहशत बैठ जाती है। हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। उस साले शंकर को खत्म करके उसे लगता है मेरे भाई को मारकर वो बड़ा हीरो बन गया है। सबसे पहले मैं उसके दिल में खौफ पैदा करूंगा, ऐसा खौफ जिससे वो थर थर कांपने लगेगा। उसके बाद मैं उसे मारूंगा।